मध्य प्रदेश को बीते दो दशक में भाजपा सरकार ने अपराधियों के गढ़ में तब्दील कर दिया है, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस की पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व आईएएस अफसर अजीता वाजपेयी का। उन्होंने महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर सरकार को जमकर घेरा। टीकमगढ़, दतिया, भोपाल सहित प्रदेश के कोने कोने से बेटियों की चीख सुनाई दे रही है, मगर भाजपा सत्ता के नशे में मदमस्त और कानों में रुई डालकर सोई हुई है, ऐसा कहना है कांग्रेस की पूर्व उपाध्यक्ष अजीता वाजपेयी का। उन्होंने बताया कि महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म और हत्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। प्रदेश में हर दिन 90 महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, लेकिन सरकार अपराध करने वालों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा पाती है। देखिए छतरपुर में क्या हुआ, 15 वर्ष की लड़की, उसके साथ ये घटना हुई। ग्वालियर में एक लड़की कोचिंग से, आजकल बच्चे कोचिंग में जाते हैं, लड़कियां कोचिंग ज्वाइन करती हैं क्योंकि वो अपना जीवन सुधारना चाहती हैं, एडमिशन पाना चाहती हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, अच्छी जगहों पर, और अपने आगा भविष्य को बनाना चाहती हैं। कोचिंग से वापस आ रही लड़की को उसके साथ भी यही हुआ, उसके साथ यही दुष्कर्म हुआ। उसी तरीके से RI जो कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कर्मचारी, उसने लड़कियों को फोर्स किया कि पोर्न मूवी देखो। और इसी तरीके की घटनाएं इंदौर में पहले हो चुकी हैं, ये आज तो हुई, इंदौर में 3 केसेस इसके पहले हो चुके हैं, और टीकमगढ़ में, दतिया में, और कई जगह ऐसे ही केसेस हो रहे हैं। मैं अपने साथ ये अखबार लाई हूँ, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ये ऐसा सभी अखबारों में हो रहा है। ये ना सोचिएगा कि मैं सिर्फ ये दो अखबार लाई हूँ तो दो ही में हो रहा है, इसमें रोज़ एक कॉलम निकलता है। प्लीज़ इसको कैमरा को फोकस करिए, इस पर करिए फोकस, ये देखिए विमेन अंडर अटैक, एक दिन नहीं, और ये रोज़ निकलता है, एक दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें ऐसी कोई घटना रिपोर्ट ना की हुई हो, एक दिन ऐसा नहीं जाता। ये आज का अखबार है, गर्ल हरास्ड और ब्लैकमेल उसको सोशल मीडिया पे, अब इतना ही नहीं कि एक्चुअली किया जा रहा, सोशल मीडिया में किया जा रहा है, तो कहाँ जाए। उसी तरीके से कल के अखबार को माइनर अमंग टू रेप, वही विमेन अंडर अटैक, आपने इसको लिया कि नहीं, इसको विमेन अंडर अटैक, ये रोज आता है। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग इस प्रकार की घटनाएं रिपोर्ट करते हैं, इससे समाज में एक मैसेज जाता है, घृणा होती उन लोगों के खिलाफ जो कि ऐसा करते हैं, और आप लोग ऐसा करते हैं, आप तो अपना दायित्व निभा रहे हैं क्योंकि आप मीडिया हैं, है ना, आपको बहुत साधुवाद। सरकार क्या कर रही है, क्यों होती रहती हैं ऐसी घटनाएं, ये बताएं मुझे। घटना होती है, स्टेटमेंट आ जाएंगे, आश्वासन आ जाएगा, ज़्यादा कहेंगे तो कमेटी बन जाएगी, उसके टर्म्स आ जाएंगे, और आपको बोला जाएगा देखिए हम इन बिंदुओं पर इस कमेटी से समय अवधि में रिपोर्ट लेंगे। पर होता क्या है, अगर पॉलिटिकल विल हो तो ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। पॉलिटिकल विल होना चाहिए कि हम ऐसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।